बकरीद के दिन जो हर घर में सबसे पहला रेसिपी बनता है, आज मैं उसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स के साथ, जिससे आपके कलेजी जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट और इसमें स्मेल बिल्कुल नहीं रहेगा। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और आप देखें। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ मटन दिल गुर्दा कलेजी की रेसिपी। वैसे तो कलेजी बहुत तरीके से बनाई जाती है, लेकिन मेरे घर में इस तरह से बनाया हुआ सभी को बहुत पसंद आता है। ये बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत टेस्टी बनता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिया हुआ है 500 ग्राम मिक्स किया हुआ दिल गुर्दा कलेजी। हमने इसे अच्छे से वॉश करके इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून विनेगर डालकर 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ताकि इसमें से जो भी ब्लड वगैरह है वो सारा साफ हो जाए और थोड़ा स्मेल कम हो जाए। कढ़ाई में 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल को डालकर हमने गर्म होने को रख दिया है। बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है अगर मस्टर्ड ऑयल में कलेजी बनाएंगे तो। यहाँ पर कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें है 2 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 1 मोटी इलायची, 4 लौंगे हैं और 1 तेजपत्ता है। इन सबको ऑयल में डाल देंगे, थोड़ा सा क्रैकर होने देते हैं। उसके बाद इसमें प्याज डालेंगे। हमने 4 बड़े साइज के प्याज को स्लाइस कर लिया था। मैंने थोड़ा सा इसमें से प्याज को बचा लिया है, बाद में उसे यूज़ करेंगे, और बाकी सबको मैंने फ्राई होने को कढ़ाई में डाल दिया है। यहाँ पर कुछ सूखे मसाले हैं, जिसमें 1 टेबल स्पून हमने लिया है लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, स्पून हमने जीरा पाउडर लिया है। यहाँ पर हमने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट लिया हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने जिंजर और गार्लिक थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ली हुई है, क्योंकि जो कलेजी होता है ना उसमें थोड़ा सा स्मेल होता है। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में जिंजर गार्लिक लेंगे ना तो स्मेल ख़त्म हो जाता है। तो देखिए, प्याज जो है इस तरह का जब हो गया था हल्का ब्राउन, तब हमने इसमें डाल दिया कलेजी को और इसे अच्छे से भून लिया है। थोड़ा सा हमने इसमें कच्चा प्याज डाल दिया, जो हमने बचा के रखा था ना कच्चा प्याज, उसे डाल दिया है। और ये जो मसाले हैं सूखे, इसे भी डाल देंगे और जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। कलेजी से पानी रिलीज होगा, उस पानी को मुझे सुखा लेना है। उसके बाद मैं इसे कुकर में ट्रांसफ़र करूँगी। बस थोड़ा सा इसमें पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। थोड़ा सा पानी डाल करके इसे तकरीबन 3 से 4 सीटी लगने तक पका लेंगे। तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल करके थोड़ा सा खंगाल लिया और उसको डाल दिया है कुकर में और इसे ढक्कन लगा देते हैं। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बट कढ़ाई में है ना कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 20 से 25 मिनट लग जाएगा। आपने ध्यान दिया होगा मैंने सॉल्ट नहीं डाली थी पकाने में। सॉल्ट नहीं डालने का रीज़न ये होता है कि अगर आप शुरू में डाल देंगे कलेजी में सॉल्ट ना, तो कलेजी जो है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। इसलिए कलेजी में कभी भी सॉल्ट को शुरू में ना डालें। जब कलेजी अच्छे से गल जाएगा, उसके बाद लास्ट में जब सर्विंग टाइम होता है ना, तब आप इसमें डालें नमक, तो कलेजी हार्ड नहीं होगा। थोड़ा सा हमने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया है, तो मेरे पास फ्रोजन हरा धनिया था, उसे डाला है और इसे अच्छे से मिक्स करके गैस का फ्लेम बंद कर दिया और इसे हमने सर्व कर दिया है। तो ये मेरी कलेजी की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनी है। एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप कलेजी में हल्का सा हल्दी पाउडर डाल देंगे ना, तो कलेजी का रंग जो है वो काला नहीं होता है, वो हल्का सा गोल्डन कलर का हो जाता है, बहुत अच्छा सा लगता है देखने में। तो ये मेरी कलेजी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें और पास वाले बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। कॉमेंट करके मेरी हौसला अफजाई करें, ताकि मैं आप सबके लिए और भी अच्छी अच्छी आसान सी रेसिपी लेकर आऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।